आने वाला हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा के लिए, तो काफ़ी सारी रिक्वेस्ट थी आप सबकी, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर जाना। वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी गर्ल्स की रिक्वेस्ट है थे कि अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा में एडमिशन हो जाता है तो हमें गर्ल्स का हॉस्टल दिखाया जाए। तो मेरी सिस्टर यहाँ पर पढ़ती है, तो उससे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे जो है वीडियो बनाकर भेज दें ताकि मैं व्यूवर्स को जो है दिखा सकूँ। इस टाइम यूनिवर्सिटी में बहुत रश होता है, ये पीछे मतलब इस टाइम मैं सबसे लोएस्ट वाली जगह पर आया हूँ मेन कैंपस में ना यूनिवर्सिटी सरगोधा के। तो उससे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे वीडियो बनाकर भेजो, तो उसने मुझे दो हॉस्टल्स की वीडियो बनाकर भेजी है। और वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन जो है पहुंचाना है, बाकी ऐसा कोई मकसद नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जब तक हॉस्टल्स वगैरह की वीडियोस देख लो, ठीक है, तो एंड पर जो है मैं आपसे सारी जो है डिटेल डिस्कस करता हूँ कि इसकी फ़ीस कितना है, कैसे इसमें एडमिशन दिया जाता है, और इसके अलावा इसकी मेरिट क्या होता है, किन स्टूडेंट्स को दिया जाता है, ये सारी चीज़ें हम एंड के ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं तमाम से दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा सब्सक्राइब कर लें चैनल को, घंटी को भी दबा दें ताकि आप तक जो है हर वीडियो पहुँचती रहे। ये जी लाइब्रेरी है, आप उसे कई दफ़ा मैंने जिक्र किया हुआ, इसका भी अलग से व्लॉग जो है शूट करूँगा। अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा रश होता है यूनिवर्सिटी में, इस साइड पर बहुत ही रश होता है, और हॉस्टल वाला जो एरिया इस साइड पर है। मैंने सिस्टर से रिक्वेस्ट की थी, चलो अगर वीडियो आ जाती है तो इंशाल्लाह व्लॉग कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग देख लो, लेकिन मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सब्सक्राइब लाजमी कर लेना और प्रेस द बेल आइकन। हाँ जी, तो आपने हॉस्टल वगैरह को तो देख लिया होगा, तो अभी जो इस हॉस्टल्स की डिटेल्स हैं वो मैं आपको आपके साथ शेयर कर देता हूँ। काफ़ी सारे फीमेल्स के ये क्वेश्चंस थे कि क्या इस हॉस्टल के अंदर अगर हमें एडमिशन लेना है तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। देखें, सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि आप दूर के होने चाहिए, मतलब एक आपका घर जो है नज़दीक नहीं होना चाहिए। लाइक अगर आप लोग सरगोधा में ही हो, आप लोग ये कहो कि मुझे सरगोधा में रहते हुए यूनिवर्सिटी हॉस्टल प्रोवाइड करें, तो आपको हॉस्टल नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आप लोग किसी ऐसे सिटी से हो, आप लोग ये वीडियो मुल्तान से देख रहे हो, लाहौर से देख रहे हो, फैसलाबाद से देख रहे हो, इस्लामाबाद से देख रहे हो, या डीजी खान से देख रहे हो, तौसा शरीफ से देख रहे हो, या जिस चीज़ से भी देख रहे हो, अगर आप लोग उन सिटी से बिलोंग करती हो तो आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा मेरिट बेस पर। और इसके अलावा इसकी जो साल की फ़ीस होती है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको पर ईयर इसकी जो फ़ीस जी सबमिट करवानी पड़ती है वो होती है 20,000 रुपये, आई थिंक सो। ये मेरे सिस्टर ने बताया कि मैंने जब फ़ीस सबमिट करवाई थी पर ईयर, पूरी यूनिवर्सिटीज़ की गर्ल्स के लिए एक ही रूल्स होता है और एक ही एडमिशन फ़ीस होती है जब आपको हॉस्टल की फैसिलिटीज़ दी जाती है, 20,000, यानी कि आपको पर ईयर जमा करवानी होगी। ठहरें, अभी यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई।
तो जब आप 20,000 जमा करवाएंगे तो इसका मेस से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि आप जो खाना खाओगे उसके आपको अलग से बिल पे करने पड़ेंगे। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल आपको खाना भी प्रोवाइड करेगी, लेकिन वो 20,000 आप जो दोगे वो जस्ट आपका रेंट होगा, यानी कि रिहाइश का किराया होगा। जो खाने का किराया दोगे आप लोग, वो आपको हर महीने आपको रेगुलर बेस के ऊपर जो है जमा करवाने पड़ेंगे। तो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा गर्ल्स में मोस्टली जो है 5 हॉस्टल्स हैं। अभी जस्ट मैंने आपको 2 विज़िट करवाए हैं क्योंकि सिक्योरिटीज इशूज़ होते हैं, तो सिस्टर्स ने कहा कि मुझे वीडियोस बनाना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो इसलिए 5 हॉस्टल्स हैं। एक है हलीमा सादिया है, आयशा है, और भी 3-4 हॉल्स हैं, खतीजा है, पता नहीं कौन सा है, सही इस तरह के हॉल्स हैं यहाँ पर। तो ये जी थी आपको कैंटीन्स भी यहाँ पर अच्छे अवेलेबल हैं हॉस्टल्स के अंदर ही, यहाँ पर चाय भी मिलती है। इसके अलावा आपको बेसिक जो चीज़ें हैं, कपड़े धोने वाली मतलब आप लोग यूनिवर्सिटी में आकर भी कपड़े धोएंगी, जी हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं मतलब सही कह रहा हूँ, आप यूनिवर्सिटी में आओगी तो आपको कपड़े भी खुद से धोने पड़ेंगे, तो सारी चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ेंगी। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं, मतलब कि कैंटीन्स भी अवेलेबल है, सर्फ सौदा, चीनी, मक्खन, दूध, दही, लस्सी, ये तो अब नहीं मिलता, चीनी शीनी तो मिल जाती है, खैर नमक भी आपको मिल जाता है, लेकिन ये है कि फिर आपको इस हॉस्टल्स के अंदर रहने के लिए ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और 20,000 आपको पर साल की फ़ीस है आपकी, इतना ज़्यादा मेरी नज़र में जो है आपके लिए फ़ीस नहीं है। तो अगर आप लोग ये इस टेंशन में हो कि हमें यूनिवर्सिटी हॉस्टल प्रोवाइड करेगी या नहीं करेगी, मेरी नज़र में ये आपके लिए इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं है, मुनासिब फ़ीस ही है, आप लोग इतना तो पे कर ही सकोगे। तो अगर आप लोगों के पेरेंट्स इस टेंशन में हैं कि मेरी बच्ची अगर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा में जा रही है तो उसको क्या यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा हॉस्टल प्रोवाइड करेगी या नहीं करेगी, तो जी आपको हॉस्टल प्रोवाइड किए जाएंगे, आप इस चीज़ की टेंशन ना लें। आप अप्लाई करोगे, आपको पता चल जाएगा कि पूरी यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल में जो अप्लाई शुरू हो जाएगी, लेकिन यह है कि जब आपका एडमिशन होगा आपको फ़ौरन से हॉस्टल नहीं दिया जाएगा। आप लोग यहाँ पर आओगे, उनको बताओगे कि मैं जो है दूर से हूँ, ये वो, आपको फॉर्म दिया जाएगा, आप लोग फिल करोगे, ये सारा प्रोसीजर जो है आपको फिर एडमिशन हॉस्टल में आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। इसके अलावा बाकी कोई क्वेश्चंस है तो आपसे इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ लें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, क्योंकि मैं आपके लिए अगर वीडियोस बना रहा हूं तो मैं मोस्टली आपको ये कहता हूं कि यार आप लोगों को टेंशन ना लो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, मेरे लिए दोनों बराबर हो। आप तक अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड्स कर रहा हूँ तो वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। हाँ थोड़े सिक्योरिटीज़ इश्यूज़ हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से मैं कोई जिसमें वीडियोज़ नहीं बना सकता। ये सामने अभी देख रहे हो 3-4 सिक्योरिटी गार्ड्स फिर रहे होते हैं, हर एक चप्पे चप्पे पर जो है सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है वीडियो शूट करना, वीडियो बनाना, वीडियो एडिट करना, और मेरे मोबाइल में जो है इतनी ज़्यादा फिर स्पेस भी नहीं बचती। और फिर अभी मेरे खुद के पेपर आ रहे हैं ये रजिस्टर्स, और इसमें सारे के सारे जो हैं आपके कमेंट्स जो है मैंने लिखे हुए, उसके ऊपर वीडियोस बहुत जल्द आने वाली है। और आज मेरी कोशिश थी कि मैं काफ़ी मोस्टली जो वीडियोस अपलोड करूं, लेकिन मैं नहीं कर सका किसी रीज़न से। तो इंशाल्लाह अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा सब्सक्राइब लाजमी कर लें, मुझे सपोर्ट चाहिए आपकी सब्सक्राइब के थ्रू, या मुझे आप लोग जैसे भी सपोर्ट कर सकते हो। मतलब ये कि मैं ये चाहता हूँ कि यार यूनिवर्सिटी में जो बच्चा आना चाहता है उस तक तमाम इन्फॉर्मेशन जो है करेक्ट पहुँचती रहे। तो इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।